देश के सबसे बड़े सूबे में गठबंधन बनाया तो यही सोचकर था कि राज्य की सियासत से दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जब बसपा ने भी नाता तोड़ लिया तो बबुआ अकेले पड़ गए। पहले चाचा शिवपाल ने साथ छोड़ा, फिर बुआ बिहार का ठीकरा फोड़ कर चली गई। पिता ने तो पहले ही नसीहत दी थी कि बेटा गलत कर रहे हो, लेकिन अखिलेश फिर भी नहीं माने और आज हालात यह है कि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार गिरती ही जा रही है। लगातार दो लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव हार चुके अखिलेश पर परिवार को एक करने का दबाव बढ़ रहा है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि पार्टी को खड़ा करने में योगदान देने वाले छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को दोबारा साथ लाया जाए, लेकिन अखिलेश अभी भी राजी नहीं। उन्हें लगता है कि शिवपाल की एंट्री से परिवार में उनके एकाधिकार और वर्चस्व को खतरा पैदा हो जाएगा और शायद इसीलिए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जो एकता की उम्मीद बंधी थी वह तस्वीर फिलहाल फिर से धुंधली दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता सोच रहे थे कि चाचा भतीजा परिवार और पार्टी बचाने के लिए फिर एक होंगे, लेकिन अब यह बात बेदम लगने लगी। सूत्रों की माने तो अखिलेश नहीं चाहते कि पार्टी में एक बार फिर से सत्ता के कई केंद्र बने। अखिलेश जानते हैं कि शिवपाल के आने से इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाएगी और वहीं व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत कुछ ऐसा है कि चाहकर भी शिवपाल को लेकर अखिलेश कड़वाहट दूर नहीं कर पा रहे। शिवपाल भले ही सपा से अलग हो गए हों और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हो, लेकिन वह अभी भी सपा से विधायक हैं। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव सपा में वापसी से भी लगातार इनकार कर रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि शिवपाल अपनी पार्टी का सपा में विलय अपनी शर्तों पर ही करेंगे। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।